हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलौर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर एक ट्रिक्स के बारे में, जिस ट्रिक से आप इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कुछ सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ट्रिक्स दोस्तों टाइम एंड वर्क के ऊपर ट्रिक्स नंबर 6 है। इससे पहले अगर आप ट्रिक्स नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे तो आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन एसएससी 2007 में, 2002 में एंड बैंक पीओ 2009 में, और भी है जैसे कि एमबीए 2011 में इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन का बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व कर पाएंगे तो ये भी आपको दिखाएंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। कह रहा है कि ए एंड बी ने किसी वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। उसी काम को बी एंड सी ने कंप्लीट कर सकते हैं 12 डेज में। एंड उसके बाद ए एंड सी कैन डू इट इन 18 डेज, और उसी काम को ए एंड सी मिलकर 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मैनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि ए बी एंड सी ने एक साथ कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, और सेपरेटली अलग अलग, जैसे कि ए कितना दिन में उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर पाएंगे, और बी उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, और सी उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पर दोबारा और एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए एंड बी साथ मिलकर किसी काम को 9 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एंड बी एंड सी उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 12 डेज में, ए एंड सी उसी काम को कंप्लीट कर पाएंगे 18 डेज में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि तीनों मिला के एक साथ ए एंड बी एंड सी तीनों मिला के उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, और तीनों अलग अलग ए बी सी तीनों अलग अलग उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को एट फर्स्ट बेसिक मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद इसका ट्रिक्स बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए एंड बी किसी काम को कर रहे हैं 9 डेज में, उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो वन डेज में कितना कंप्लीट कर पाएगा, 1 डेज में 1/9। एंड उसके बाद देखिए बी एंड सी 1 डेज में कितना काम को कंप्लीट कर पाएंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर डे होगा, 1 डे में कितना काम को कंप्लीट कर पाएंगे, 1/12, क्योंकि यहाँ पर बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। और उसी काम को ए एंड सी 1 डे में कंप्लीट कर पाएंगे 1/18। अब देखिए दोनों साइड को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए है तो 2a + 2b + 2c आएगा, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, a + b + c, तो यहाँ पर 1 डे में कंप्लीट कर पाएगा 1/9 + 1/12 + 1/18। और यहाँ पर आप इससे इसका एलसीएम निकाल लीजिए 9, 12 और 18 का, तो यहाँ पर 36, और यहाँ पर 4 + 3 + 2 and 9/36 एंड 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 into a + b + c। अब दोस्तों यहाँ पर a + b + c कर लीजिए, a + b + c = यहाँ पर 1/4, और इस 2 को इस साइड में लाइए तो 1/2 यानी कि 1/8।
तो दोस्तों यहाँ पर ए बी एंड सी मिलकर तीनों मिलकर वन डे में 1/8 काम कर रहा है, तो 8 डेज में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपका एक आंसर आएगा वो होगा 8 डेज, जो कि आपका ए बी एंड सी तीनों मिला के 8 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। अब दोस्तों इसी तरह से ए का भी सेपरेटली ए का, बी का और सी का भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ए का आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर 1/8 है, 1/8। यहाँ पर देखिए बी प्लस सी माइनस करना है, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड भी आएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस करना है 1/12। बी प्लस सी देखिए 1/12 है तो 1/12, तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। और उसके बाद बी का निकालना है तो यहाँ पर देखिए बी है 1/8 से माइनस ए और सी, ए सी देखिए यहाँ पर ए सी 1/18 कर लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से ए का, बी का और सी का आंसर आप सेपरेटली निकाल सकते हैं। अब दोस्तों चलिए इस टाइप क्वेश्चन को ट्रिकली कैसे सॉल्व किया जाता है तो आपको दिखाएंगे, चलिए। और दोस्तों यहाँ पर ट्रिक्स है ए प्लस बी प्लस सी का 2 XYZ / XY + YZ + ZX। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर इसको मान लीजिए एक्स एट फर्स्ट, उसके बाद बी प्लस सी का यहाँ पर मान लीजिए वाई, एंड ए प्लस सी का यहाँ पर मान लीजिए जेड। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 X यहाँ पर 9, 2 × 9 वाई यहाँ पर 12 एंड जेड यहाँ पर 18 अपॉन यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स वाई 9 × 12 प्लस 12 × 18 होगा, 12 × 18 प्लस 18 × 9। और यहाँ पर 2 × 9 × 12 × 18 अपन इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 486, एंड यहाँ पर 2 से कैंसिल कर सकते हैं 243, एंड यहाँ पर 3 × 4 = 12 एंड 3 × 81 एंड 9 × 9 = 81 एंड 9 × 2 = 18। तो देखिए 4 × 2 = 8, तो 8 डेज आपका आंसर होगा, जो कि ए बी एंड सी के एक साथ काम करेंगे तो 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों इस ट्रिक्स को आप याद कर लीजिए या कहीं पर भी नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों ए एंड बी एंड सी का अगर सेपरेटली आंसर निकालना है तो इसी ट्रिक से निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ए का आंसर निकालेंगे, ए उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ए किन में है, ए प्लस बी यहाँ पर 9 जो कि एक्स है, एंड ए प्लस सी, ए एंड सी तो यहाँ पर जेड है, एक्स एंड जेड, तो एक्स एंड जेड यहाँ पर है तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, चलिए देखते हैं इसको कैलकुलेशन करके। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 9 × 12 × 18 अपॉन यहाँ पर होगा, इन तीनों का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 162, और इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 24 आपका आंसर होगा। और इसी तरह से अलग से आपको मान लीजिए बी का आंसर निकालना है तो यहाँ पर सिंपली 2 XYZ अपॉन यहाँ पर XY YZ और ZX लिख लीजिए एट फर्स्ट। उसके बाद देखिए बी यहाँ पर किन में है, देखिए ए एंड बी में यहाँ पर एक बी है जो कि एक्स, और बी एंड सी में यहाँ पर देखिए वाई में एक बी है, तो एक एक्स एंड वाई कहाँ पर है देख लीजिए, एक्स एंड वाई यहाँ पर है तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए, और बाकी सब जो होगा वो प्लस।
और यहाँ पर आपका सी का आंसर अगर निकालना है, सी इक्वल टू टू एक्स वाई जेड एंड नीचे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तो यहाँ पर देखिए सी किन में है, तो ए एंड सी यहाँ पर एक और बी एंड सी यहाँ पर एक, तो वाई एंड जेड, वाई एंड जेड यहाँ पर है, तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए, बाकी सब प्लस। और चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन एसएससी 2002 में आया था। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन में कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन वुड कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ पर सी अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे ये आपको निकालना है, तो यहाँ पर सी इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर टू इंटू एक्स वाई जेड, जो कि एट फर्स्ट ए एंड बी का एक्स ले लीजिए, बी एंड सी का वाई एंड सी एंड ए का जेड। अब देखिए एक्स वाई एट फर्स्ट वाई जेड एंड जेड एक्स लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सी, यहाँ पर सी किस में है, यहाँ पर देखिए बी एंड सी जो कि वाई एंड सी एंड ए जो कि जेड में, यहाँ पर तो नहीं है, एक्स में नहीं है, तो यहाँ पर वाई जेड, वाई जेड यहाँ पर कहाँ पर है, वाई जेड यहाँ पर है, तो यहाँ इसके आगे माइनस लगा दीजिए, बाकी सब प्लस। सिंपल है, टू इंटू यहाँ पर एक्स, टेन इंटू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी और नीचे टेन इंटू फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी प्लस यहाँ पर जेड एक्स, तो ट्वेंटी इंटू टेन, तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑन 20 डेज, जो कि आपका आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस ट्रिक्स को समझ गए होंगे, आप इस टाइप क्वेश्चन को ट्रिक लिए आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी तरह का और भी ट्रिक्स देखने के लिए।